नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इन से आप लुटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज के ताजा तरीन खबरों पर। यूके की भारतवंशी गृह मंत्री सुएला बोली, वीजा अवधि पूरी होने पर ब्रिटेन में रुकते हैं भारतीय, इंडिया ने किया पलटवार। एक इंटरव्यू में ब्रेवर मैन ने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या में भारतीय अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। अमेरिका में गांजा रखने और इस्तेमाल करने पर नहीं होगी जेल, बाइडेन बोले दोषी रिहा किए जाए। अमेरिका में गांजा रखने और इसका इस्तेमाल करने वालों को लेकर बड़ा फैसला किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस आरोप में जो भी कैदी जेल में बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाए। UNHRC में भारत ने नहीं किया चीन के खिलाफ वोट, खारिज हुआ उइगर मुसलमानों पर लगाया गया प्रस्ताव। भारत और 10 अन्य देशों के मतदान नहीं करने के बाद चीन के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। कुल 11 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, शीत युद्ध के बाद पहली बार मंडरा रहा परमाणु हमले का खतरा, मजाक नहीं कर रहे हैं पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न्यूयॉर्क में एक फंड रेजिंग इवेंट में शामिल हुए थे जहां उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध का जिक्र किया। तुर्की के विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग यात्रा के दौरान बिगड़ी 69 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत। तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट TK-054 में एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत पर बवाल। भारतीय फार्मा कंपनी की कई दवाओं पर पहले भी उठे सवाल, हालांकि सरकार और कंपनी की तरफ से साफ किया गया है कि जिन कफ सिरप को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही मैन्युफैक्चर किया जाता था। फिर एक्शन में ईडी, दिल्ली पंजाब हैदराबाद के 35 ठिकानों पर रेड। केजरीवाल बोले, ऐसे कैसे होगी तरक्की। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम 35 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। ईडी की टीम दिल्ली पंजाब और हैदराबाद में छापेमारी कर रही है। चीफ जस्टिस के उत्तराधिकारी के लिए केंद्र सरकार ने CJI UU ललित को लिखा पत्र। 8 नवंबर को हो रहे रिटायर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित न्यायाधीश के पद से 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। देवी देवताओं के अपमान के आरोपों में घिरे केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र गौतम तो दी सफाई। अब BJP ने मांग की है, इसको लेकर BJP सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपके मंत्री दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत पार्टी से हटाया जाना चाहिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की समेत रूस यूक्रेन की दो संस्थाओं को मिला नोबेल पीस प्राइज। नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को देने का ऐलान किया। हैकर्स ने करीब 10 करोड़ डॉलर के बिनांस कॉइन की चोरी की। क्रिप्टो निवेशकों को बड़ा झटका। बिनांस के को फाउंडर चेंगपिंग CZ झाओ ने जानकारी दी है कि हैकर्स ने करीब 10 करोड़ डॉलर के बिनांस कॉइन की चोरी कर ली है। इस बात की जानकारी आज सुबह एक ट्वीट के माध्यम से दी गई। 3 दिनों के लिए गुजरात आएंगे PM मोदी, कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। PM मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात आने वाले हैं। खबर है कि PM मोदी गुजरात में अगले सप्ताह स्वास्थ्य परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। मुजफ्फरपुर में कुख्यात राजा ठाकुर की हत्या, दर्ज थे कई मुकदमे, पहले भी उस पर हो चुका था हमला। जियालाल चौक के समीप घटना को अंजाम दिया गया है। शुक्रवार की सुबह लोगों ने देखा, अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दो भारत नहीं होंगे स्वीकार, राहुल गांधी ने कहा। एक तरफ कर्ज और कष्टों भरी है किसानों की जिंदगी, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आत्महत्या मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे सूबे के बच्चे और युवा, लेखक देंगे कॉलेजों में अब लेक्चर। लेखक अर्जुन सिंह कादियान जल्दी हरियाणा के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्रों को यहां के लैंड ऑफ द गौर की स्टोरी सुनाते दिखेंगे। वो अतीत से युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं। जब कोई काफिला गुजरता था तो वे हमें रुकने के लिए कहते थे, पहले इससे जाने दो। आसिफ की आप भी थी उसके भाई की जुबानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आसिफ नाम के नौजवान की पुलिसकर्मी की गोली से दुर्घटनावश मौत हो गई। जयपुर के एलिवेटेड रोड को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मिला नाम, गहलोत ने किया उद्घाटन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस एलिवेटेड रोड पर सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ मंत्रियों के साथ सफर किया। अदालत ने खारिज की UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों की जमानत, कहा ये सोची समझी साजिश थी। दिल्ली की एक अदालत ने 2022 में दंगों में शामिल सलीम मलिक की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी चांदबाग विरोध स्थल के आयोजकों में से एक था जहां भड़काऊ भाषण दिए गए थे।
दिल्ली मेट्रो इनसे आप लोचिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।